अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज मैं आपको सीवी क्रिएट करना सिखाऊंगा और आपको खुद का एक सैंपल भी शेयर कर दूंगा जिस पर आप इजीली अपनी सीवी बना सकते हैं। आप कहीं भी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी सीवी बनानी जरूरी होती है। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे गिव अवे में शामिल होना चाहते हैं तो बस आपको थोड़ा सा और वेट करना है, इस पर जल्द वीडियो आ जाएगी। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको सीवी सैंपल दिखा देता हूँ, जो कि गाइज ये मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है, जो कि गाइज आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइज यहाँ पे आपने वर्ड में इसको ओपन कर लेना है। ये गाइज आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, आपको फ्रंट लाइन पे ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, जो कि गाइज अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज गाइज इसको आप स्किप कर दें। ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट गाइज, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में गाइज आप देख सकते हैं योर नेम, इसमें गाइज आपने अपना नेम ऐड कर लेना, जो कि गाइज मैंने अपना नेम ऐड कर लिया है, मोहम्मद फिजान। तो गाइज आप भी इसी तरह यहाँ पे अपना नेम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे आपको फादर नेम मिल जाएगा, इसमें गाइज आपने अपने फादर का नेम ऐड कर लेना है। और गाइज सेम एज इट इज आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी ऐड कर लेनी है, जो कि गाइज आपके जो CNIC पे नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है गाइज यहाँ पे आपने सेम एज इट इज ऐड करनी है, जो कि आपने अपने CNIC से मैच करके गाइज यहाँ पे ऐड कर लेना है। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी, जो कि पाकिस्तानी है, आपने पाकिस्तानी ऐड कर लेनी है। इसके बाद गाइज आप देख सकते हैं CNIC, यहाँ पे गाइज आपने अपना CNIC का नंबर यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये मैंने खाली छोड़ दिया है, तो गाइज यहाँ पे आपने अपना ऐड करना है। ये जस्ट मैंने आपको सैंपल दिखा दिया है। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे मटीरियल स्टेटस मिल जाएगा, इसमें गाइज आपने दोनों को नहीं ऐड करना है। इसमें गाइज अगर आप मैरिड हैं तो आपने मैरिड ऐड कर लेना है, इसके अलावा अगर अनमैरिड हैं तो गाइज आपने मैरिड को जो है कट कर लेना है, आपने दोनों ऐड नहीं रखने। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे आपको रिलीजन मिल जाएगा, जो कि आपका कोई भी रिलीजन है, इस्लाम है, तो गाइज हम इस्लाम मैंने ऐड किया हुआ है पहले ही। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट गाइज परमानेंट एड्रेस मिल जाएगा, इसमें गाइज आपने अपना एड्रेस प्लेस कर लेना है, जो कि गाइज आपका एड्रेस आपके CNIC से मैच होना चाहिए। तो गाइज आपने यहाँ पे अपने CNIC वाला एड्रेस ऐड कर लेना है। अगर गाइज आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो गाइज यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, इसमें गाइज आपको जरूरी नहीं है आप दो फोन नंबर ऐड करें, आप एक फोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइज आपने एक ऑप्शन फिर इसमें कट कर लेना है, अदरवाइज गाइज अगर आप अपना दो नंबर ऐड करना चाहते हैं तो गाइज आप अपने दोनों नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन मिल जाएगी, इसमें गाइज आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट और अंडर ग्रेजुएशन, इसके अलावा भी गाइज अगर आप नेक्स्ट बॉक्स भी ऐड करना चाहते हैं तो गाइज आप इसमें नेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें गाइज आपने ईयर्स में ऐड कर लेना है, जैसे मैट्रिक में 2018 में मैट्रिक हुई है तो गाइज 2018 आपने यहाँ ऐड कर लेना है। इसके बाद गाइज इंटरमीडिएट में इसी तरह सेम आपने ऐड कर लेनी है, जैसे कि मैंने 2020 ऐड कर लिया है। नेक्स्ट गाइज अंडर ग्रेजुएशन आपने इसी तरह ऐड कर लेनी है, जो कि गाइज अगर आप अंडर ग्रेजुएशन अगर आपकी कंटिन्यू है तो गाइज आपने यहाँ पे अपने ईयर्स ऐड कर लेने हैं। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे आपको डिवीजन मिल जाएगा, इसमें गाइज आपने डिवीजन में अपना ग्रेड ऐड कर लेना है, जैसे कि गाइज अगर आपके नंबर फर्स्ट डिवीजन में आ रहे हैं तो गाइज आपने यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड या थर्ड डिवीजन ऐड कर लेनी है, जैसे कि गाइज ये मैंने आपको दिखाने के लिए ऐड कर लिया है। बोर्ड यूनिवर्सिटी में गाइज आपने यहाँ पे मैट्रिक में अपने कॉलेज का नेम ऐड कर लेना है, जहाँ से गाइज आपने पेपर दिए हैं, तो गाइज यहाँ पे आपने अपने कॉलेज वगैरह का नेम ऐड कर सकते हैं, जैसे गाइज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सैंपल में आपको दिखा दिया है। इसी तरह गाइज आपने अंडर ग्रेजुएशन में अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह का नेम ऐड कर लेना है। नेक्स्ट गाइज, आपको यहाँ पे लैंग्वेज मिल जाएगी, जो कि गाइज आप यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि गाइज आप अपनी लैंग्वेजेस, आपको जौन सी लैंग्वेज आपको आती है आपने गाइज वही लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड कर लेनी है, जैसे इंग्लिश, उर्दू, आप पंजाबी भी ऐड कर सकते हैं, सिंधी भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा गाइज और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो आपको जौन सी लैंग्वेज आती है आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है, जिस लैंग्वेज में आपको काम वगैरह आता है या बोलना वगैरह आता है, तो गाइज आप उन लैंग्वेजेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे आपको कंप्यूटर स्किल्स मिल जाएंगी, जिसमें गाइज अगर आप कंप्यूटर के रिलेटेड आपके पास स्किल्स हैं तो आपने गाइज यहाँ पे कंप्यूटर स्किल्स लिखे रहने देना, अदरवाइज इसको गाइज आपने
आपने जस्ट स्केल कर देना, जो कि गाइस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट गाइस इसके नीचे आप देख सकते हैं आपने वही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिस फील्ड में गाइस आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं। जैसे कि गाइस मेरी कंप्यूटर स्किल्स हैं, जिसमें गाइस मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐड कर लिया है, वेब डेवलपर ऐड कर लिया है, डाटा एंट्री अकाउंट्स ऐड कर लिया है, इसके अलावा कॉन्टेंट राइटर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इसी तरह गाइस अगर आपका कोई भी आपकी फील्ड से रिलेटेड स्किल्स हैं तो गाइस यहाँ पे आपने जस्ट वही ऐड कर लेनी है। वो ऐड करने के बाद आपने बाकी जो है वो रिमूव कर लेने। अगर आपके पास एक स्किल है तो गाइस आपने एक ही ऐड करनी है। इसके अलावा अगर आपके पास 2 या 3 स्किल्स हैं तो गाइस यहाँ पे आपने वो ऐड कर लेनी है। जिसमें गाइस आप काम करना चाहते हैं आपने वही स्किल्स यहाँ पे ऐड करनी है। तो गाइस ये मैंने आपको सैंपल जो है वो दिखा दिया है, और आपको गाइस मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस सैंपल को डाउनलोड करके आपने इस फाइल को वर्ड में ओपन कर लेना है। इसमें गाइस आपने अपनी मर्जी से सेटिंग वगैरह कर लेनी है। अपनी मर्जी से सारी सेटिंग करने के बाद गाइस आपकी सीवी जो है वो रेडी हो जाएगी। सीवी तैयार होने के बाद गाइस आपने इसको सेव कर लेना है, जो कि पीडीएफ फाइल में आप इसको बना सकते हैं। तो गाइस आपने इसको पीडीएफ में ऐड कर लेना। पीडीएफ में सेव करने के बाद गाइस आप सीवी को कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं जहां पे गाइस आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।